इन दिनों स्वाइन फ्लू की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के बाद कई मंत्रियों के स्वाइन फ्लू की चपेट में आने की खबरें हैं। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने विधानसभा सदस्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के भी आरोप जड़े। वहीं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने साफ किया कि प्रदेश स्वास्थ्य विभाग और सरकार स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और अस्पतालों में इसकी दवाइयां और इंजेक्शन संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष की ओर से विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से नकार दिया। विपिन परमार ने कहा कि साधारण व्यक्ति से लेकर विधायक और मंत्री सभी के लिए अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। किसी को किसी के शरीर में वो वायरस चला जाता है और उसके कारण वो व्यक्ति अस्वस्थ है, तो यहाँ बिल्कुल नज़दीक हमारे IGMC में उसका उपचार है। वहाँ पर वैक्सीनेशन भी है और टेमीफ्लू कैप्सूल्स भी वहाँ पर हैं। इसलिए इसमें ये कहना कि किसी ने कोई इंजेक्शन लगा लिया, दवाई ले ली, इसमें तो कोई पक्षपात नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जा कर के डॉक्टर से परामर्श कर सकता है और उसकी दवाई ले सकता है। प्रदेश की अगर बात करें तो किस तरह से इस पे काबू पाया जा रहा है? हमने एडवाइजरी जारी की है CMOs को, BMOs को, डॉक्टर्स को, और लोगों को भी ये कहा है कि अगर उनको लगता है कि इसके जो लक्षण है, शरीर में थकान, चेस्ट में कंजेशन, बुखार इत्यादि के लक्षण उनको अगर नज़र आ रहे हैं, तो नज़दीक के डॉक्टर के पास जा करके वो परामर्श ले लें और दवाई ले, या उसको लगता है कि मुझे स्वाइन फ्लू है तो टेस्ट करवा लें। गौरतलब है कि इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने स्वाइन फ्लू के मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप जड़े थे। काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो सरकार जो है तत्काल प्रभावी कदम उठाए। सेशन चल रहा है और हम इसकी बात विधानसभा में भी रख चुके हैं। ये बड़े एक हैरानी की बात है कि अगर पहले डेंगू फैल गया, अब ये फ्लू फैल गया, तो इनके रोकथाम के लिए पहले से ही कदम उठाए जाने चाहिए थे। और एक बात और भी है कि अब तो मंत्री लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, और पहले स्पीकर साहब की बात आई थी कि उनको आया है, उनको हुआ है, तो यहाँ पे अभी मालूम पड़ा है कि सारे मंत्रिमंडल को तो इन्होंने इंजेक्शन लगवा दिए। भाई सिर्फ मंत्री तो नहीं है, सदन में इतने ज़्यादा पक्ष विपक्ष के MLAs हैं, पत्रकार हैं, विधानसभा का स्टाफ है, तो ये अपने को तो जो है इंजेक्शन इन्होंने लगवा लिए बुला के डॉक्टर्स, लेकिन ये जो है सबका ख्याल करना चाहिए सरकार को। अगर सदन में कुछ लोगों को प्रभावित हो गए हैं, तो सबको मेडिसिन और इंजेक्शन जो भी मुहैया करवाना है इनको करवाना चाहिए, और बाहर भी पूरे हिमाचल में इनको देखना चाहिए। 22 डेथ्स बहुत अलार्मिंग फिगर है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने विधानसभा में विधायक राकेश पठानिया द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लाई, जिसका करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर हिमकेयर योजना भी शुरू की है, ताकि कोई भी इंसान इलाज के बिना ना रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित विभागों और संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत के बारे में और दूसरा हिम केयर के बारे में जानना चाहूँ। ये दोनों योजनाएं व्यक्तियों के जीवन के उपचार से या सोशल सिक्योरिटी के रूप में जुड़ी हुई। आयुष्मान भारत, भारत सरकार श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के भागीरथ प्रयासों से देश में लागू हुई, और इससे लगभग 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, और हिमाचल प्रदेश में इसमें से 22 लाख लोगों को लाभ मिलने वाला है। अभी तक की अगर हम जानकारी लें तो हिमाचल प्रदेश में 5000 से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक लोगों को इस योजना का लाभ लेने की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2011-12 का जो एक सर्वे हुआ है और 2010 की RSPY की योजना को इकट्ठा किया गया, उससे लोग लाभ लेना शुरू
कर रहे हैं, और जो लोग इससे छूट गए वो हिम केयर में आ गए। लगभग 2,80,000 लोगों को हिम केयर में शामिल किया गया, और इसके अलावा भी अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें दिव्यांग हैं, जिसमें बुज़ुर्ग हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मिड डे वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, रेडी फड़ी लगाने वाले हैं, एकल महिलाएं हैं, या इसके अलावा जो इसमें वंचित रह गए वो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के आयुष्मान भारत के बराबर की धनराशि 1800 बीमारियों का इलाज हिम केयर में शुरू किया गया है। इसके अलावा विधानसभा में नई पेयजल व सिंचाई योजना और बागवानों और किसानों के साथ होने वाली ठगी को रोकने संबंधी कानून लाने बारे में भी संकल्प पेश किए गए, जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए। प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को कमीशन एजेंट और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त कानून बनाएगी। कानून बनाते समय ठगी का शिकार हुए किसानों, बागवानों और विधायकों की राय भी ली जाएगी। ये बात ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने विधानसभा में वीरवार को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत विधायक बलबीर वर्मा द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में कही। अनिल शर्मा ने कहा कि नए कानून में कमीशन एजेंटों और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों के लिए बैंक गारंटी का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि वे किसानों और बागवानों की गाढ़ी कमाई लेकर भाग ना सकें। बाद में मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर बलबीर वर्मा ने अपना संकल्प वापस ले लिया। इससे पूर्व संकल्प पेश करते हुए बलबीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसान और बागवान बड़ी संख्या में कमीशन एजेंटों और बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों की ठगी का शिकार हो रहे हैं। बलबीर वर्मा ने कहा कि वो खुद भी इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को तुरंत गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि किसानों और बागवानों की आय सच में दोगुना की जा सके। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य की नदियों और बांधों का पानी प्रदेश के विकास के लिए प्रयोग करने को लेकर सरकार जल्द नीति बनाएगी। विधानसभा में वीरवार को विधायक सुखराम चौधरी द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें नीति बनाने के लिए यदि कानून में संशोधन करने की जरूरत हुई तो सरकार इससे भी पीछे नहीं हटेगी, ताकि प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की बाधा न आए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़ें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नदियों से पानी लेने की समस्या से तभी पार पाया जा सकता है जब हम भारत सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। सदन ने इस संकल्प को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। इससे पूर्व संकल्प में हुई चर्चा में सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया, रमेश धवाला, होशियार सिंह और अरुण कुमार ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।